बस करो यार, और कितना झूठ बोलोगे तुम लोग वहां हो और झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हो। ये वो बातें हैं जो चेतना सिंह, जो कि उड़ारियां की एक्ट्रेस है, उन्होंने बोली है जब उन्होंने देखा कि ईशा ने इल्जाम लगाए हैं अभिषेक कुमार पर। उन्होंने बताया कि उनका ब्रेकअप कैसे हुआ था, ईशा ने बताया, जिस पर अब उड़ारियां एक्ट्रेस चेतना सिंह ने चुप्पी तोड़ दी है। आपको बताते हैं कि चेतना सिंह ने अभिषेक को किस तरह सपोर्ट किया है। आपको एपिसोड याद होगा जिसमें ईशा विकी से बात करती हैं और ईशा बताती हैं कि किस तरह उनका ब्रेकअप हुआ। ईशा ने ये भी बताया कि एक बार तो इतनी लड़ाई हो गई थी, मैं तो फ़ोन भी नहीं उठा रही थी, वो मेरे घर के नीचे आ गया और वो ज़ोर ज़ोर से पी पी करने लग गया। फिर मेरे घर के बाहर, मतलब जो सोसाइटी के बाउंसर्स होते हैं, वो आए, मैंने उनको कहा भाई इसको लेकर जाओ, और उन्होंने एक और इंसिडेंट बताया। उन्होंने विकी को कहा ये तो कुछ भी नहीं है, ये भी सुनो कि मैं क्लब गई थी अभिषेक के साथ, वहाँ पर मेरी बहुत सारी दोस्त थी, मैंने इंट्रोड्यूस करवाया अभिषेक को। और फिर ईशा कहती हैं कि, मतलब ईशा इंट्रोड्यूस करवाती हैं, तो अभिषेक कहते हैं तेरे इतने सारे दोस्त हैं, ईशा कहती हैं हाँ मेरे इतने सारे दोस्त हैं। तो फिर अभिषेक खड़े खड़े सबके सामने ईशा को थप्पड़ मार देते हैं, और थप्पड़ मारते हैं तो काफ़ी, कई बार ऐसा होता है थप्पड़ या किसी चीज़ को बहुत एफर्ट से मारते हैं तो वो निशान पड़ जाता है, तो उसी तरह से ईशा की आँख के नीचे वो निशान पड़ गया था, नीला सा हो गया था, नील सा पड़ गया था, जिसे फिर वो जब अगले दिन उड़ारियाँ के सेट पर गई तो सबने देखा उसको। लेकिन तब उनकी मम्मी जो थी ईशा की, उनको पता चला अभिषेक के बारे में। जाहिर सी बात है, अगर आपके निशान पड़ेगा, बेटी के निशान पड़ा तो अपनी माँ को तो बताएगी ना कि क्यों पड़ा है। फिर उन्होंने बताया कि अभिषेक के साथ ऐसा ऐसा था, तो तब उनकी मम्मी को ये सब पता चला। अब यहाँ पर एक चीज़ ये है कि जब उन्होंने विकी को ये सब चीज़ बताई, विकी तो भाई हैरान रह गए, लेकिन जब ये जो क्लिप थी वो सोशल मीडिया पर या बाहर आकर, मतलब जब लोगों ने देखी तो वायरल होने लगी, कुछ लोगों ने इसे एक्सेप्ट करा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने कहा भाई और कितना झूठ बोलोगे। उन्होंने समर्थ और ईशा पर इल्ज़ाम लगाए कि भाई और कितना झूठ बोलोगे। तो उनमें से एक नाम है एक्ट्रेस चेतना सिंह का। उड़ारियां एक्ट्रेस चेतना सिंह ने अभिषेक को सपोर्ट किया है और उन्होंने एक पोस्ट किया है, और पोस्ट में वो क्या लिखते हैं वो भी आपको बता देते हैं। पोस्ट कर वो लिखती हैं और कितना झूठ बोलना है, भगवान से डरो, स्थिति ऐसी है कि तुम दोनों कुछ भी बोल रहे हो, चिंटू बोलना सीख लिया, मुझसे सच बोलना भी सीख लेते, दम है तो अभिषेक के अलावा कोई दूसरी गेम खेल कर दिखाओ, हर बार तुम उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हो, जो भी बातें हो रही हैं वो सब झूठ है, मैं अभिषेक को सपोर्ट करती हूँ। तो यहाँ पर जो चेतना सिंह है उन्होंने अभिषेक को सपोर्ट किया और कहा कि भाई जो ईशा और समर्थ है वो झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि भाई समर तूने मुझसे बोलना तो सीख लिया कि हम कैसे बोलते हैं, हमें कैसा कन्वर्ज करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है, या कैसे एक्टिंग स्किल्स होता है, वो तो तूने मुझसे सीख लिया, लेकिन तू बोलना भी तो सीख लेता मुझसे। और उन्होंने कहा कि अगर तुम दोनों में दम है तो अभिषेक के अलावा कोई और गेम खेल कर दिखाओ, तुम अभिषेक के पीछे पड़े रहते हो, तुम उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाते रहते हो, और जो भी बातें तुम कर रहे हो घर के अंदर वो सब झूठ है अभिषेक को लेकर, और मैं अभिषेक के सपोर्ट पे हूँ, ऐसा चेतना सिंह का कहना है। तो बहुत सारे लोगों ने मान लिया था ईशा की बात, लेकिन अब जब उन्होंने सुनी तो कई लोगों को लग रहा है कि हाँ चेतना सिंह सही बोल रही हैं, उनको पता होगा, लेकिन कईयों को ऐसा लगता है कि नहीं ये सब बस गेम पर्पस के लिए हो रहा है। आपको क्या लगता है, ईशा ने जो भी बातें की अभिषेक को लेकर, क्या वो सही है, क्या इन दोनों का रिश्ता जो था वो जेन्युइन था, या बस ये दिखावा है स्क्रीन टाइम पाने के लिए, आपको क्या लगता है वो हमें कमेंट करके बता दीजिए। और तमाम ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक के साथ बने रहें।